हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन तज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ पैनिक अटैक्स और हिप्नोसिस इसके बारे में। उसका प्रात्यक्षिक करेंगे ताकि आपको समझेगा कि जिनको पैनिक अटैक आता है उन्हें सम्मोहन से अपना इलाज कैसे करना। पैनिक अटैक में होता क्या है कि वो व्यक्ति को बाहर जाने का डर लगता है, घर के बाहर जाने का डर। और घर के बाहर जाने का डर जो है, और वो इतना एकदम अटैक आ जाता है उसको, इतना ज़बरदस्त कि वो 5-10 मिनट या 15-20 मिनट में उसको ऐसा लगता है कि अपन भी मर जाएंगे। बहुत ही डर, हाथ कांपना, पसीना तर होना, और मतलब पूरा थर थर करना, पूरा बदन थर थर करना, घबराहट होना, उसको लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा और मर जाऊंगा। इस तरह का वो पैनिक अटैक आता है। तो उसका इलाज और सम्मोहन उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ये पैनिक अटैक में मैं फोबिया का भी बताऊंगा कि फोबिया में होता क्या है कि पर्टिकुलर प्लेस का उसको डर लगता है, कि जैसा ओपन स्पेस है तो खुली जगह में जाने का डर, कुछ लोगों को बंद कमरे का डर लगता है, तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक का डर लगता है कि अटैक आ जाएगा, अपन मर जाएंगे। कुछ लोगों को रास्ता पार करने का डर लगता है, कुछ लोगों को सफ़र करने का, जर्नी करने का डर लगता है, ट्रेन में या कार में जाने का डर लगता है। वो घर के बाहर जाते नहीं हैं, बाइक पे जाते नहीं हैं, कहीं बाहर जाना आना होता नहीं है और कहीं सफ़र नहीं करते वो। तो ऐसे अलग अलग डर उनको है, तो वो फोबियाज में आते हैं। कुछ लोगों को कीड़े मकोड़े का डर लगता है, कुछ लोगों को कुत्ते का डर लगता है, कुछ लोगों को बिल्ली का डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाई का डर लगता है, हाइट पे नहीं जा सकते, कुछ लोगों को अंधेरे का डर लगता है। तो पैनिक अटैक बिना वजह आ सकता है, और ये फोबिया पर्टिकुलर जगह पे उसको वो डर लगता है और वो सिचुएशन अवॉइड करता है। तो उसके लिए हम सम्मोहन हिप्नोसिस का इलाज क्या है वो देखने वाले हैं। ये इलाज आप अपने आप के ऊपर घर में कर सकते हो या फिर मेरे यहाँ के आप उसका इलाज कर सकते हो। तो अपने आप को घर में कैसे करना उसकी तकनीक मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अभी रिलैक्स बैठेंगे और मैं आपको बार 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 रिलैक्स ऐसे बोलूँगा। रिलैक्स इसका मतलब शिथिल करना, ढीला करना। मैं बार बार ऐसा बोलूँगा स्लीप। स्लीप मतलब अपन गद्दी के ऊपर लेटे हुए हैं, पूरा बदन रिलैक्स और सो रहे हैं, ऐसी कल्पना करना है। और मैं बोलूँगा डीप। डीप मतलब गहरा। तो डीप मतलब गहराई में मैं जा रहा हूँ, गहरी गहरी गुफा में, अंधेरे में जा रहा हूँ, ऐसी कल्पना करना है ना। डीप डीप जब भी बोलूँगा तब तो। और फिर मैं आपको कुछ कल्पना करने के लिए बोलूँगा, वो कल्पना करने के लिए। तो रिलैक्स मतलब शिथिल करना, ढीला करना। स्लीप मतलब गद्दे के ऊपर लेटे हुए ऐसी कल्पना करना। और डीप मतलब गहरी गुफा में अंदर जा रहे हैं ऐसी कल्पना करना है। फिर मैं 1 से 10 तक गिनती करूँगा, तो जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आप और सम्मोहन अवस्था में गहरी गहरी चले जाएंगे। और फिर मैं आपको सूचनाएँ दूंगा और बाद में आपको जगाऊंगा, ठीक है। तो पैर ऐसे पंजे को कैंची मारने का है, हाथ भी ऐसे रखने के पैर के ऊपर, रिलैक्स, आंखें बंद, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो। पूरा ख्याल मेरी आवाज़ की तरफ दो, दूसरी कोई भी आवाज़ सुनने की नहीं है, दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देने का नहीं है। ये सम्बोध में होता गया है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो सजेस्टिबल ही है, तो उसको ऊपर हम लाते हैं, कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं। कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जागते रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अंदर डाल दिया उसको वो सही लगता है। सबकॉन्शियस माइंड को कोई लॉजिक नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड को बुद्धि नहीं सरासर विचार करने की, सबकॉन्शियस माइंड को गलत सही सत्य असत्य ये कुछ समझता नहीं है, उसको जो भी बोल दिया वो उसको स्वीकार करके चालू कर देता है। इसलिए हमको जो भी अभी सूचनाएं देने की है वो सबकॉन्शियस माइंड में डालने की है, उसके लिए कॉन्शियस माइंड को सुलाने का है। तो ये ऑपरेशन जैसा है कि पहले सूंघनी देना मतलब पहले सम्मोहित करना, और पहले सूंघनी देना मतलब एनिस्थेशिया देना, एनिस्थेशिया देके पेशेंट सो गया, बाद में उसके ऊपर ऑपरेशन करना। तो मैं पहले एनिस्थेशिया दूंगा मतलब सम्मोहित करूंगा, और बाद में फिर सूचनाएं दूंगा। तो हम चालू करते हैं।
पूरा बदन रिलैक्स करो, पूरा ख्याल मेरी आवाज़ की तरफ दो, दूसरी कोई भी आवाज़ सुनने की नहीं, दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देने का नहीं, पूरा बदन रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स करो। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए। दोनों घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स 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 हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स 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 हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलके रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स करो, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, बदन रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप स्लीप स्लीप। मौन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 आ चुका है और आप गहरी गहरी सम्मौन अवस्था में जा रहे हो। मैं अभी एक से दस तक गिनती करूँगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मौन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मौन अवस्था में चले जाएंगे। एक दो तीन चार, गो डीपर एंड डीपर, पांच छः सात, स्टिल डीपर एंड डीपर इनटू द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, आठ, आप गहरी गहरी सम्मौन अवस्था में जा रहे हो, पूरा बदन रिलैक्स 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 है, नौ दस, एंड नाउ स्लीप 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 डीप। मैं भी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं, वो सूचना का अच्छी तरह पालन करना है, वह सूचना अपने जीवन में अपने रोज के व्यवहार में अपनाने की है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी बहुत ही रिसेप्टिव हो चुका है, कॉन्शियस माइंड आपका अभी सो गया है,
आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही रिसेप्टिव है, उसको मैं सूचनाएं दे रहा हूँ, वो सूचनाओं का पालन करना है। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कोई भी समस्या का सामना, कोई भी सिचुएशन का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकोगे। जहाँ भी डरावनी सिचुएशन है, जहाँ भी आपको डर लगता है, वहाँ बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप खड़े रह के काम कर सकोगे। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कोई भी समस्या का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन में प्रसंग में कहाँ भी आप बहुत ही आत्मविश्वास से खड़े हो, उसका सामना कर रहे हो, बहुत ही रिलैक्स तरह से उसका सामना कर रहे हो, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में वहाँ खड़े हो। आप बाजार में गए हो, वहाँ आत्मविश्वास के साथ में आप खरीदी कर रहे हो। आप सब्जी मार्केट में गए, कपड़ा मार्केट में जा रहे हो, वहाँ भी सब काम बराबर आसानी से कर रहे हो। आप कहीं बाइक लेके भी गए तो वहाँ भी आप कॉन्फिडेंटली बाहर जा रहे हो और काम करके आ रहे हो। आपका मन बहुत ही रिलैक्स है, आप अकेले घर में रह सकते हो, बंद कमरे में रह सकते हो, खुली हवा में अकेले रह सकते हो, रास्ता पार कर सकते हो, आपको कुछ भी संभव है। पूरा बदन रिलैक्स है, पूरा बदन रिलैक्स। आपका आत्मविश्वास एकदम बढ़ चुका है, आप कहीं भी अकेले जा रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रसंग है, उसका सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर रहे हो, उसको डील कर रहे हो। बहुत ही आपको मजा आ रहा है। आप जो लोगों के साथ में हैं, वो लोगों को आप देख रहे हैं, वो लोगों ने कौन से कपड़े पहने हैं वो आप देख रहे हैं, आपने कौन से कपड़े पहने हैं वो आप देख रहे हैं, अपने आप को क्लियरली, लोगों को आप क्लियरली देख रहे हो, लोगों की आवाज सुन रहे, जो वो बोल रहे हैं वो सुनो, आप जो बोल रहे हो वो भी आप सुन रहे हो। लोगों को ताज्जुब लग रहा है कि पहले डर लगने वाला इंसान अभी कैसा किसी से घुल मिल सकता है इतना आसानी से। आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है, बहुत ही खुश आप हो, बहुत ही एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक आपको लग रहा है, बहुत ही रिलैक्स्ड, कोई डर नहीं किसी बात का, उसका सामना अच्छा कर रहे हो, लोगों से अच्छी बातचीत कर रहे हो, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त, वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त। अब वहाँ हो, एकदम ही अच्छा लग रहा है। जो सिचुएशन डरावनी है वो सिचुएशन को याद करो, जहाँ जहाँ आपको डर लगता है वो अपने सामने लाओ। वहाँ कौन से लोग हैं, आप किसके साथ में हो, किस तरह का ड्रेस आपने पहन रखा है, उन्होंने कौन सा ड्रेस पहन रखा है, मतलब एकदम क्लियरली आपको उनको देखने का है, एकदम क्लियरली सुनने का है, क्लियरली बहुत ही फील करने का है। बहुत जबरदस्त, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है। लोगों को ताज्जुब लग रहा है, लोग बोल रहे हैं अरे यार आप तो बहुत अच्छा अभी घूम फिर रहे हो, आपको तो बहुत आत्मविश्वास है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आप भी उनको हाँ बोल रहे हैं कि भाई अच्छा हो गया हूँ मैं अभी, बहुत ज़बरदस्त, वंडरफुल लग रहा है, बहुत आप खुश हो, बहुत मज़ा आ रहा है। कहीं भी आप जा सकते हो, अभी बाजार में जा रहे हो अकेले, वहाँ भी डर नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, किराना बाजार में, सब्जी बाजार में, बाहर कोई खरीदी करना है तो उसके लिए आप जा रहे हो, रेलवे स्टेशन, बस, जहाँ भी आपको लगता है वहाँ जाके अपना काम कर रहे हो। जो आपको डर था, मुझे अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, दिल का दौरा पड़ेगा, मैं मर जाऊँगा, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सब मेरे मन की सोच है,
ये सब सोच है। ये जो डर है वो झूठा डर है, इसका एहसास आपको हो रहा है। आपको लग रहा है कि अरे यार अभी तक मुझे कैसे समझ में नहीं आया था, अभी आपको समझ में आया कि ये पूरा इनऑथेंटिक है। ये डर जो है वो काल्पनिक डर है, एक्चुअली कुछ भी नहीं होने वाला, अभी तक कुछ हुआ नहीं, इसके बाद में भी कुछ होने वाला है नहीं, सब पूरा काल्पनिक डर है। आप सब तरह घूम रहे फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आत्मविश्वास से मिल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। सब तरह आप अकेले जा सकते हो, अभी सब तरह अकेले जा भी रहे हो, सब व्यवहार आप कर रहे हैं, बाजार में जा रहे, ऑफिस में जा रहे, किसके भी साथ बातचीत कर रहे, और आपको ये लग रहा अभी कि अभी तक मुझे जो डर था वो सब काल्पनिक डर था, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है। और अभी आप एकदम रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट, बहुत उत्साही, मज़ा आ रहा है, आप बहुत ही खुश हो, आप रिलैक्स फील कर रहे हो, काम एंड क्वाइट फील कर रहे हो। स्लीप 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 डीप, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अभी आपको कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक बलून में बैठे हैं, बड़े गुब्बार में बैठे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल बैठे हैं। वो बलून को एक खिड़की है, वो बलून के बाहर एक दूसरा सनी है, वो एकदम आइडियल है, जो आप चाहते हो वैसा सनी, वैसा आइडियल सनी है, जो बहुत साहसी है, उसको बहुत धीरज है, काम है, क्वाइट है, रिलैक्स्ड है, उसको कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है उसको, ऐसा जो भी चाहते हो आप अपने आप को, वैसा सनी बाहर खड़ा है। वो खिड़की से अंदर आ रहा है बलून में, अंदर आने के बाद में वो अपने आप से दोनों सनी मिल जाते हैं और वो आपके शरीर में अंदर आ जाता है, एक रूप आप हो जाते हो दोनों भी, और अभी आप नया सनी बन चुके हो, एकदम नया, एकदम ट्रांसफॉर्म, जो कॉन्फिडेंट है, जिसको अच्छी नींद आती है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई डर नहीं, कहाँ भी किसी से, किसी के साथ में बातचीत करना, अकेले जाना, सब संभव है सनी, और वो सनी वैसा कर रहा है अभी, वो देखना है आपको, फिर से एक बार आपको देखने का है कि वो ऐसा सनी कर रहा है, अकेला जा रहा है, बाजार में अकेला जा रहा है, ऑफिसेस में अकेला जा रहा है, किराना बाजार रहो, कपड़ा बाजार रहो, बाइक में जाना है देखो, शादियों में जाना है, अंत्ययात्रा में जाना है, किसी को मिलने हॉस्पिटल में जाना है, कुछ भी हो जाए, सनी एकदम रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है और सब कुछ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़बरदस्त, वंडरफुल। मैं भी आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ये 2 मिनट के समय में आपने अपने आप को देखना है, सब जगह जाते हुए, सबसे इंटरेक्शन करते हुए, एकदम अच्छे हो गए वैसा अपने को देखना है, तो देखना शुरू करो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। वैसा फील करना है, वो सेंसेशन फील करना है, वो खुशियाँ फील करना है, वो आत्मविश्वास फील करना है, लोगों की आवाज़ सुनने की है, अपनी आवाज़ सुनने की है, अपने आप को देखना है क्लियर कट, सब कुछ अच्छा है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है।
बहुत ज़बरदस्त, वंडरफुल। जहाँ भी वो जा रहा है लोग तो एकदम ताज्जुब कर रहे हैं, ये हुआ कैसा, ये पहले का सनी रहा नहीं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। लोगों के साथ में मिलना जुलना, घूमना फिरना, शादी ब्याह में जाना, सब तरह लोगों को मिलने, हॉस्पिटल में जाना, अकेले घूमना फिरना, लड़कियों से बात करना, शादियों में जाना, सब कुछ संभव है। अभी मैं 1 से 3 तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ेंगी वैसे वैसे आप और एंथुजियास्टिक बनेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा और बहुत मजा आएगी, सब डर निकल जाएगा तब तक। और 1, बहुत ही खुश, बहुत ही रिलैक्स्ड, एंथुजियास्टिक, उत्साहित। 2, और उत्साहित और एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक। 3, बहुत ज़बरदस्त एक नया शनि तैयार हो गया, जिसको ना कुछ किसी बात का डर है ना कुछ, बहुत मज़ा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली बोलना, हंसना, खेलना, पढ़ाई करना, धंधा पानी करना, सब सब संभव है, कहीं भी जाना आना, इन नए शनि को सभी संभव है। अभी मैं 3 से 1 तक उल्टी गिनती करता हूँ, जैसे जैसी गिनती कम कम होते जाएंगी वैसे वैसी संभावना से धीरे धीरे खुल जाएंगी और आपको जाग आ जाएंगी। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, एंथुजियास्टिक लगेगा। 3, 2, जाग आ रही है, 1, उठो, जाग जाओ, आंखें खोलो, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमने अभी देखा सम्मोहन का प्रात्यक्षिक डेमोन्स्ट्रेशन, कि जिसमें फोबिया जो है उसका इलाज सम्मोहन से हो सकता है। रोज कम से कम 2 बार और एवरेज में 4 बार यदि ये करते हैं आप, तो 10 से 20 हफ्ते में ये पूरी बीमारी अच्छी हो सकती है। मेरे तरफ काफ़ी क्लाइंट्स आते रहते हैं, वो ये इलाज मेरे से यहाँ कर लेते, फिर घर में जाके प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे होते हैं। ये काफ़ी सारे लोगों को, मतलब कम से कम 1% लोगों को ये बीमारी होंगी, ज़्यादा ही होंगी वैसे। इससे लोग हैंडीकैप हो चुके हैं, घर में बैठे हैं, बाहर आना जाना बंद है, कमाना बंद है, उसमें आर्थिक विवंचना हो गई, आर्थिक प्रॉब्लम्स आ गए। फिर आपके संपर्क में भी ऐसे लोग होंगे कि जिनको बाहर जाना, घूमना फिरना संभव नहीं, वो टालते रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको डर लगता है। तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। मेरा विजन है हेल्दी इंडिया, लाइक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्त भारत, और जो नॉर्मल है उनको अधिक पावरफुल बनाना, अधिक क्षमतापूर्वक बनाना। तो आपके संपर्क में जितने भी लोग होंगे उनको ये वीडियो शेयर करो, उसकी लिंक शेयर करो, ताकि उनको ये बीमारी से मुक्ति मिल सकती है, जिसको भी होगा उसको। तो ये सब तरह ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। मैं और वीडियो डालने वाला हूँ सम्मोहन के, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करो, आपको इंटीमेशन आते जाएंगे। उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एक फोबिया मुक्त भारत की निर्मिति हम करेंगे, ऐसा मैं आपको अभी वचन देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।